आज इस वीडियो में पुरुषों को होने वाली तकलीफ के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेल मेंबर्स को होने वाली प्रॉब्लम जिसमें आपके स्क्रॉटम रीजन में आपके अंडकोश में सूजन आ जाती है, इसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये जो स्क्रॉटम रीजन में स्वेलिंग आ जाती है बहुत सारे कारणों की वजह से आ सकती है। अगर आपके स्क्रॉटम रीजन में किसी भी कारणवश फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाए, साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो पानी अगर आपके स्क्रॉटम रीजन में बढ़ने लग जाए उसके कारण आपको सूजन देखने को मिल सकती है। आपको चोट लगी, चोट लगने के कारण ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर उस एरिया में किसी भी कारणवश इन्फेक्शन हो जाए तो आपको ये सूजन देखने को मिल सकती है। ये जो स्क्रॉटम रीजन में अंडकोश में सूजन आ जाती है बहुत सारे कारण इसके पीछे डिपेंड करते हैं कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में इस सूजन के साथ साथ आपको क्या हो सकता है कि दर्द हो सकता है, इन्फ्लामेशन होने के कारण उस एरिया में रेडनेस देखने को मिल सकती है, हीट देखने को मिल सकती है। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जो आपका स्क्रॉटम होता है उसकी जो वेन्स होती हैं आपको मोटी मोटी सी नसें उस एरिया की देखने को मिल सकती हैं। अधिकांश केसेस में ये पूरे स्क्रॉटम में इफेक्ट करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपको राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। इस जो स्वेलिंग आपको आने लग जाती है, जो सूजन स्क्रॉटम में आने लग जाती है, ये एकदम अचानक भी आ सकती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके भी स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है। वैसे अधिकांश जो ये अंडकोश में जो स्वेलिंग आने लग जाती है इस प्रॉब्लम के कारण होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके पीछे कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो आपको इस लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिकांश पुरुष मैंने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है कि इस प्रॉब्लम के कारण इस जो भी आपको लक्षण आ रहे होते हैं इनको नज़रअंदाज करते हैं, खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रॉब्लम के कारण, अगर अंडकोश में स्वेलिंग आ जाती है तो इस प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि अपने जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज होने लग जाती हैं वो, और इसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर अंडकोश में स्वेलिंग आ जाती है तो इनके कारणों के बारे में आपको बताऊंगा कि किन किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा अगर आपको ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही है तो कैसे आप इस दिक्कत परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेरी वीडियोज़ को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर कारणों की आपसे बात करूँ तो जो सबसे पहला कारण देखने को मिलता है वो होता है एक प्रॉब्लम जिसका नाम है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील बहुत कॉमन कॉज है स्क्रॉटम में स्वेलिंग आने की वजह से। इस हाइड्रोसील की प्रॉब्लम की वजह से आपको भारीपन उस एरिया में लग सकता है, दर्द देखने को मिल सकता है और ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टेस्टिस रीजन में आपको कोई ऐसे कोई खिंचाऊ सा दर्द आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा कारण इसका वेरिकोसील की वजह से आपको ये दिक्कत परेशानी हो सकती है, जिसमें हमारा जो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होने लग जाता है, जो वेन्स होती हैं उस एरिया की उसमें अत्यधिक वो इनलार्ज होने लग जाती है, चौड़ी होने लग जाती है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने के कारण ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। वेरिकोसील होने के कारण आपको स्क्रॉटम रीजन में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आपको छोटी छोटी गांठी भी देखने को मिल सकती हैं। जनरली वेरिकोसील के केसेस में आपको जो इनलार्ज वेन्स हो सकती हैं वो आपको अपनी बेयर आइज से भी आप देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में सूजन देखने को मिलेगी, कुछ कुछ केसेस में दर्द भी देखने को मिल सकता है और अधिकांश केसेस में दर्द नहीं भी हो सकता है। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है पुरुष इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं और धीरे धीरे करके ये परेशानी बढ़ने लग जाती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में तक का ये परेशानी चले जाती है। तो इस परेशानी को पुरुष जो नज़रअंदाज करते हैं ये बहुत मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी होने का, तो आपको इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण, अगर स्क्रॉटम रीजन में किसी भी कारणवश कोई सिस्ट बन जाए, कोई गठान बन जाए तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा मैं आपसे कारण डिस्कस करूंगा वो है हर्निया। हर्निया एक ऐसी दिक्कत परेशानी है, इंग्वाइनल हर्निया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपके किसी भी कारणवश अगर स्टमक रीजन से वीक होने की वजह से कोई भी आपके इंटेस्टाइन बाहर को प्रोट्यूड कर जाए उसके कारण से हर्निया होने लग जाता है। हर्निया की वजह से भी ये दिक्कत परेशानी मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलती है। कि पांचवें कारण की अगर आपसे बात करूं तो ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जनरली क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होने लग जाती है टेस्टिकल्स में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण स्क्रॉटम रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, हैवीनेस देखने को मिलता है, जो आपकी टेस्टिस होती है टेस्टिस में पेन देखने को मिल सकता है, आपको ग्रोइंग पेन हो सकता है, आपको पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन और दर्द का सामना करना पड़ सकता है और जब भी आप इजैकुलेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल इजैकुलेशन देखने को मिलता है। छठे कारण की अगर आपसे बात करूं तो एपिडिमाइटाइटिस। इस प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के केसेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
अगर आपको किसी भी कारणवश सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया हो, आपको गनोरिया का प्रॉब्लम हो या आपको क्लाइमिडिया का इन्फेक्शन अगर देखने को मिलता है तो उस कारण से ये एपिडेमाइटिस हो जाता है। इस प्रॉब्लम के कारण जनरली पेन देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आपको पेनफुल यूरिनेशन करने हो सकता है, इजैकुलेशन भी आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, आपको टेस्टिकल्स में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी। सातवां कारण अगर आपसे मैं चर्चा करूँ तो सातवां कारण ये किसी भी कारणवश आपको कोई भी चोट पटक लग जाए, बॉल लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके कारण वर्ष भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। आठवें कारण की अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपकी जो स्क्रॉटम रीजन की जो स्किन होती है, अगर स्किन में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी, बाहर की आउटर स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। नौवां कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इमरजेंसी की कंडीशन है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर टोरिजन। टेस्टिकुलर टोरिजन एक सीरियस कंडीशन है जिसमें हमारी जो टेस्टिकल्स होते हैं इसमें लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। आपको पर्टिकुलर पोर्शन में टेस्टिकुलर टोरिजन में लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होने लग जाती है। अगर ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी में अप्रोच करना चाहिए। इस प्रॉब्लम के कारण टेस्टिकुलर जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत सीवियरली डैमेज होने लग जाते हैं। तो हमेशा अगर टेस्टिकुलर टोरिजन का प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा भीषण दर्द देखने को मिलता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता सही ढंग से और आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए, नहीं तो जो टेस्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं हमारे वो डैमेज होने लग जाते हैं और फिर कभी सही नहीं हो पाते। दसवें कारण की आपसे अगर बात करूं तो अगर आपको किसी भी कारणवश अगर स्क्रॉटम रीजन में ट्यूमर हो जाए, वैसे तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्यूमर वगैरह देखने के नहीं मिलते, लेकिन इसके कारण भी ट्यूमर्स होने की वजह से भी या किसी भी कारणवश टेस्टिस में आपके कैंसर हो जाए तो इस कारण से भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। चलिए मैंने अब आपको बताया कारण कि किन किन कारणों की वजह से ये जो हमारे टेस्टिस रीजन में स्क्रॉटम रीजन में स्वेलिंग आ जाती है। अब आपसे बात करता हूँ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों की, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स दिखाती हैं। अगर आपको सबसे पहले मेडिसिन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे फर्स्ट नंबर की मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका अगर किसी भी कारणवश अगर टेस्टिकल्स को छूने में दर्द हो रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, आपको छूने में वहाँ पर को दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोसील के केसेस में, आर्काइटिस के केसेस में, एपिडेमाइटाइटिस के केसेस में बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। दूसरी मेडिसिन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दूसरी मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन स्पेशली हाइड्रोसील के केसेस में बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है। रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन में आपको जनरली क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें जब भी व्यक्ति बैठता है बैठने से उसको आराम देखने को मिलता है, और जब भी वो खड़े उठ के चलने लग जाता है, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो बहुत इमेंस पेन आप उसमें देखने को मिलता है। इट इज़ इंडिकेटेड इन केसेज ऑफ ऑर्काइटिस जिसमें इन्फ्लेम्ड टेस्टिकल्स देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन होने के कारण ऑर्काइटिस होता है, उसमें रोडोडेंड्रॉन काफ़ी अपने इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। तीसरी मेडिसिन की अगर आप लोगों से बात करूं तो तीसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस एरेक्टा। क्लेमेटिस एरेक्टा अगर आपको किसी भी कारणवश स्वेलिंग आ रही है, पेन देखने को मिल रहा है, आपको जनरली स्क्रॉटम रीजन में बहुत अत्यधिक स्वेलिंग देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ पेन आपको देखने को मिल रहा है, और एक ऐसा दर्द जो जनरली आप अगर छू रहे हो या चल रहे हो तो ये दर्द बढ़ जा रहा है, आपको पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उस केसेस में भी क्लेमेटिस एरेक्टा बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। चौथी मेडिसिन की अगर आपसे मैं बात करूं तो चौथी मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस वेरिकोसील के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। अगर आपको किसी भी कारणवश पूरे टेस्टिकल में दर्द हो रहा है, स्क्रॉटम रीजन में पेन हो रहा है, तो हेमामेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपके दर्द को तो कम करती ही करती है, साथ ही साथ में आपकी स्वेलिंग को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता जिसके कारण आपको डायलेटेड बड़ी बड़ी सी वेंस उस एरिया में देखने को मिलती है, ये खून के संचार को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको किसी भी कारणवश राइट टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा हीटेड सेंसेशन लगता है, गर्म बहुत ज़्यादा लगता है राइट टेस्टिकल, उस केसेस में हेमामेलिस अगर आप देंगे व्यक्ति को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर पांचवी मेडिसिन की अगर आपसे बात करता हूँ, अगर आपको किसी भी कारणवश चोट लग गई हो, चोट लगने के कारण आपको अगर स्क्रॉटम में स्वेलिंग आ रही हो, तो आर्निका बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स अपने दिखाती है। सिक्स्थ मेडिसिन का नाम है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें जो पेन होता है ये आपके स्क्रॉटम रीजन से लेकर आपके पूरे पेनिस तक का ये दर्द देखने को मिल सकता है। इसका दर्द रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑर्काइटिस के केसेस में बहुत इंडिकेटेड रेमेडी है, और जो इसमें टेस्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। सेवन्थ मेडिसिन की अगर आपसे मैं बात करूँ तो वो है पल्सटीला। पल्सटीला भी ऑर्काइटिस के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने दिखाती है। पल्सटीला मेडिसिन के इंडिकेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें दर्द के साथ साथ पेशाब पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत अत्यधिक जलन का सामना करना पड़ता है, टेस्टिकल्स बहुत ज़्यादा सोर हो जाती हैं, अगर आप उनको छूते हैं तो छू नहीं पाते, बहुत ज़्यादा अत्यधिक दर्द का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसमें ऐसा लगता है कि आप जैसे ही हाथ लगाएंगे कि ये टेस्टिकल्स, बहुत ज़्यादा आपको रेडनेस उसमें देखने को मिलेगी और एक टीयरिंग जैसे किसी ने चीर दिया हो ऐसा सेंसेशन आपको देखने को मिलता है। लास्ट मेडिसिन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो लास्ट मेडिसिन है मिजेरियम। मिजेरियम आपको पेन आपको नहीं है लेकिन स्वेलिंग अगर उस एरिया में आ रखी है,
पेन आपको बिल्कुल नहीं है, स्वेलिंग उस एरिया में आ रही है, तो मिजेरियम बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स आपने दिखाती है। मिजेरियम में जनरली क्या होता है कि आपको स्वेलिंग विदाउट पेन, और जो आपका पेनिस होता है स्पेशली पेनिस में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन स्क्रॉटम रीजन में स्वेलिंग देखने को नहीं मिल सकती। मिजेरियम उन केसेस में इफेक्टिव रहती है जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर आपको गोनोरिया की हिस्ट्री रही है तो, अगर आपको गोनोरिया की हिस्ट्री रही है तो उन केसेस में काफ़ी इफेक्टिव अपने रिजल्ट्स दिखाती है। इसमें जो हमारे टेस्टिकल्स का साइज़ होता है वो इनलार्ज देखने को मिलता है, तो उसमें इन केसेस में मिजेरियम मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको टेस्टिस में, स्क्रॉटम में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, मेंस से रिलेटेड आपको दिक्कत परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, खुद से सेल्फ मेडिकेट करने के बजाय अपने किसी नियर बाई एरिया में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और कोई अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर से आपको अप्रोच करना है जो ऐसे केसेस को देखते हों, जो मेंस से रिलेटेड सेक्सुअल कंप्लेंट्स को डील करते हों। अगर आप डॉक्टर से मिलकर अपने लक्षणों के आधार पर इलाज लेंगे तो आपके डॉक्टर साहब आपको बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, कुछ मैनेजमेंट आपको बताएंगे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये जो तकलीफ आपको हो रही है ना, इस तकलीफ को बहुत जल्दी आप लोग बिना किसी सर्जरी वगैरह के आप सही कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा और ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रॉब्लम को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ेगा और फिर दिक्कत परेशानी आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। वक्त रहते अभी भी किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर अपने लक्षणों के आधार पर इलाज लीजिए, आपकी ये दिक्कत परेशानी बहुत जल्दी सही होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद।